अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फिर आ गए हम एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड वैकेंसी डिस्कस करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रेगुलर अपडेट्स देते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड वैकेंसीज पर, और साथ ही साथ हम कुछ सिलेबस भी कवर करते हैं जो आपको हेल्प करेगा इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। हमारे चैनल से बने रहें, रेगुलर अपडेट्स लेते रहें, ताकि आप फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा कर पाए। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ये है दी समिता एकेडमी की वैकेंसीज, जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, सीटेट ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो आप स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, सारे डिटेल्स को अच्छे से सुने ताकि आप इन फॉर्म्स को भर पाएँ। तो ये जो वैकेंसी है दी समिता एकेडमी की, इसमें वैकेंसीज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स एंड अदर टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट इन्होंने जारी किया है फॉर दिस सेशन 23 एंड 24। तो प्री प्राइमरी, प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन एंड सीनियर सेकेंडरी सेक्शंस में कोई भी फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट नहीं है। इन्होंने इन सारे सेक्शंस के लिए एक कॉमन फिजिकल एजुकेशन टीचर का पोस्ट रखा है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। अदर पोजीशंस में फिजिकल एजुकेशन की टीचर की वैकेंसी है, और पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स भी इन्होंने रखा है, जैसे योगा के लिए पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस स्कूल में एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, तब आप इस पोजीशन को ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इफ़ यू फील यू आर अ राइट कैंडिडेट टू ज्वाइन द टीम, प्लीज़ मेल योर रेज्यूमे बिफोर 7 दिसंबर 2022। अगर आपको लगता है आप एक राइट कैंडिडेट है, आपके पास सारे क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आप 7 दिसंबर 2022 से पहले इनको अपना अपडेटेड रेज्यूमे इनको भेज दें, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे आगे की प्रोसेसेस के लिए, जैसे आपका इंटरव्यू हो सकता है, रिटर्न टेस्ट हो सकता है। ज़्यादा चांसेस हैं इंटरव्यू की, रिटर्न के चांसेस बहुत कम है, तो आप इंटरव्यू के लिए तैयारी भी करते रहें अगर आप इस स्कूल में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सैलरी आपको ऑल अराउंड 30,000 एंड अबव आपको मिल सकता है, और ये परमानेंट वैकेंसी है फिजिकल एजुकेशन का इस स्कूल में। योगा के लिए उन्होंने पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर्स को हायर करने का सोचा है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन का जो पोस्ट है वो परमानेंट है। तो अगर आप चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आप राइट कैंडिडेट हैं, आप इस स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज़रूर आप इनको ये अपना रिज्यूमे भेज दें 7 दिसंबर से पहले। और इनका ईमेल आईडी जो है वो है careers@thesamithaacademy.com। इस ईमेल आईडी पर आप अपना अपडेटेड रिज्यूमे उनको भेजेंगे। स्कूल का एड्रेस आपके स्क्रीन पर है, 52 लक्ष्मीपुरा विलेज ऑफ बनेरघाटा रोड, बेंगलोर 560083, और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपके स्क्रीन पर है। तो आई होप आपको सारे डिटेल्स मिल चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो, अगर आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। तो हमने सारे डिटेल्स कवर कर लिए हैं दी समिता एकेडमी का, जिसमें आप एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर ज्वाइन करेंगे, वो भी रेगुलर वैकेंसी के लिए। सो अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको सारे डिटेल्स टाइम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।